मेरा नाम शमसुद्दीन उर्फ मुन्ना पहलवान है। मैं सन 74 में उत्तर प्रदेश चैंपियन हूँ रेसलिंग में। तो जो लड़का सबको मतलब परास्त कर लेता था वही फर्स्ट आता था। मुझे स्वर्ण पदक भी मिला है, सर्टिफिकेट भी मिली है और मेरी नौकरी भी रेलवे में लगी थी। उस समय तनख्वाह 400 रुपया रही तो हम नौकरी में रिजाइन देके साड़ी में आ गए जी। 2000 से गवर्नमेंट का ध्यान नहीं था तो हम लोगों को कारखाना नहीं चल पाया, पैसा नहीं था और जहाँ हमारा 25 काम था वहाँ 5 काम आ गया था। तो 5 काम को एक साल के उधारी माल बेच बेच के किसी तरह से हम लोग अपना जीवन व्यतीत किए। हम लोग बच्चों को पढ़ाने में और खाने पीने में बहुत मुश्किल का सामना किए। तो अब हम लोगों को गवर्नमेंट के तरफ से भी मदद मिल रही है, उसका चरखा तानी बाना सब चीज़ मिल रहा है और धागा में 10% का छूट मिल रहा है, डिमांड ऑर्डर भी मिल रहा है और अब चलना शुरू हुआ है तो दाल रोटी अच्छे से मिल रहा है। सरकार का रेशम में इस समय बहुत बढ़िया हाथ हो गया है कि जो रेशम बाज़ार में हमको मिल रहा है 4500 रुपया किलो, वह गवर्नमेंट ने हमको 3500 रुपया किलो में दे रही है। एक साड़ी बढ़िया बना के बच्चे को राष्ट्रपति पुरस्कार भी दिलवा दिया बनारसी साड़ी में। मैं यहाँ चोलापुर में हिंदुओं के बीच में मैं गुरु के तरह से मतलब हमारे लोग पूजा करते हैं। मैं हमारे पास जो भी ढंग है सबको हम सिखा देता हूँ। साड़ी में लोग आना नहीं चाहते हैं तो जो हमारे पास कला है हम ये सबको दे देना चाहते हैं।